उसे अपनी आंटी की याद आने लगी, क्योंकि वो ऐसे ही उसके लिए खाना बनाया करती थी। उसने अपने अंकल सकुरा से पूछा, अरे अंकल यहाँ पर कोई और भी है क्या? तो अंकल ने कहा, नहीं बेटा कोई नहीं है यहाँ। पर कुछ देर बाद जो एक बल्ब जल रहा था वो भी फ्लिकर करने लगा। अंकल सकुरा जैसे ही ये सब चेक करने के लिए गए, उसके थोड़ी देर के बाद किसी ने एडम का नाम पुकारा। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ने उसकी आंटी की थी। आंटी क्या ये आप है? उस लाइट की फ्लिकर में एडम को कुछ धुंधला सा दिखा। उसकी आंटी की आत्मा ठीक उसके सामने खड़ी थी। फिर वो आत्मा धीरे से घर के बेसमेंट की ओर जाने लगी। एडम डरते डरते उसके पीछे गया, पर बेसमेंट के गेट पे जाते ही वो आत्मा अचानक से गायब हो गई। बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतर के जब एडम ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।